So our topic is free consent. First of all, we'll understand what is consent. Two persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. मतलब जब दो कोई पार्टीज अग्री करती हैं कॉन्ट्रैक्ट की और आपस में वो एक ही चीज को और ठीक तरीके से समझ रही होती हैं, तो दैट मीन्स दे हैव अ फ्री कंसेंट और जेन्युइन कंसेंट। अगर जेन्युइन कंसेंट एब्सेंट हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज दैट अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट नहीं होता, मे बी वॉइडेबल हो एट सर्टन सिचुएशंस, लेकिन वो वैलिड अग्रीमेंट नहीं होता और कोर्ट उसको रेकग्नाइज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज वन ऑल्टो एंड वन कोरे, ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कोरे कार, वाई डज नॉट नो दैट एक्स हैज टू कार्स, सो वाई ऑफर्स टू बाय एक्स इज ऑल्टो, वाई जो है वो ये समझता है कि मैं ऑल्टो जो है वो खरीद रहा हूँ, लेकिन उसका वाई का एक्स का मतलब है कि वो कोरे बेच रहा है। तो ये कंफ्यूजन हो गई है, ये कंसेंट फ्री नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग, विच इज वाई कंसेंट इज नॉट फ्री। नाउ मेनली अगर ये पांच चीजें एब्सेंट हों तो कंसेंट जो है वो जेन्युइन एंड फ्री होती है, और अगर इन पांच में से किसी भी चीज की प्रेजेंस हो तो जो कंसेंट है वो फ्री या जेन्युइन नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड नहीं रहता। हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं डिटेल में, स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्जन। कोर्जन एक्चुअली किसी भी फोर्स का यूज करना या ऐसी फोर्स को यूज करने के लिए थ्रेट करना किसी को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना जो पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है। सो आप किसी को गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, इट इज कोर्जन। आप किसी को मारपीट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, इट इज कोर्जन। आप किसी को धमकी लगाते हो, कोई चीज की थ्रेट करते हो, अबडक्शन की थ्रेट करते हो, या किसी भी प्रॉपर्टी को इंजर करने की या प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की थ्रेट करते हो या कर लेते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोर्जन में आती हैं। किसी किस्म की भी फोर्स यूज करना या उस फोर्स को यूज करने के लिए थ्रेट करना इस कोर्जन। और इस तरीके से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बीट्स बी एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर ₹20,000। दिस बीटिंग इज नॉट अलाउड, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। हियर बीज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन बिकॉज बीटिंग समवन इज एन ऑफेंस अंडर द पाकिस्तानी पीनल कोड। देन कोर्जन मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। इसका सिंपल मतलब यह है कि दो लोग जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये इसके साथ कॉर्जन कर रहा हो और या ये इसके साथ कॉर्जन कर रहा हो। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, बट द पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर कि एक एफ बंदा विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वो बी के साथ कॉर्जन कर रहा है, और एफ जो है हु इज नॉट पार्ट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट इज डूइंग कोर्जन विद सम अदर पर्सन विच इज ई। ये भी अलाउड नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोर्जन कर रही हो या थर्ड पार्टी पे कोर्जन कर किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें, ए थ्रेट्स टू किल सी, हू सी सीज बीज डॉटर, लेकिन कंपेयर वो कर रहा है कि बी जो है
वो मुझे घर सेल कर दे। इफ बी रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू ए, सो हियर द ए इज थ्रेटनिंग सी, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी। सो दैट मीन्स ये किसी स्ट्रेंजर पे या किसी एक थर्ड पार्टी पे भी किया जा सकता है और बाय अ थर्ड पार्टी भी किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ कोर्शन मीन्स कि अगर कोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडबल। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। Voidable means that it is voidable at the option of the party whose consent was so caused. जिसके साथ भी कोर्जन हुई है और उसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है विद कोर्जन, उसकी ऑप्शन पे ये वॉइडबल होएगा। अगर वो चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कंटिन्यू कर दे, अगर वो चाहता है तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। देन वी हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहली बात इसकी डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिटिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड यूजेस दिस पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। ज्यादातर क्या होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल फादर है एंड सन है। सो फादर इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ सन, और यू कैन से टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द स्टूडेंट, और यू कैन से योर लॉयर एंड क्लाइंट। सो ये जो है ये कुछ विल टॉक अबाउट दीज रिलेशनशिप्स, बट इस तरीके से ये पोजिशंस होती हैं जिसमें आप विल को डोमिनेट कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ देम इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड ऑल्सो यूजेस दिस पोजिशन। सो एक तो वो पोजिशन होना और दूसरा उसका यूज करना बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो आप कहेंगे कि उसकी कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से आई है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन वेयर समवन होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट एंड चाइल्ड, एंड दे माइट स्टैंड इन फिडेशरी रिलेशनशिप टू द अदर, फॉर एग्जाम्पल एजेंट एंड प्रिंसिपल, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वार्ड एंड गार्डियन, कस्टमर एंड बैंक, क्लाइंट एंड अटर्नी, पेशेंट एंड डॉक्टर। सो दीज कैन बी सम ऑफ द फिडेशरी रिलेशनशिप्स जिनके पास ये इन्फ्लुएंस की पोजिशन हो सकती है। एंड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरली और परमानेंटली इफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। नॉर्मली जो मेडिकल अटेंडेंट होता है पेशेंट ने इसको हायर किया होता है, बट यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मेडिकल अटेंडेंट पे पेशेंट डिपेंडेंट होता है। मेडिकल अटेंडेंट इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द पेशेंट। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज द सेम दैट इट बिकम्स वॉइडबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। तो जिसके साथ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है उसकी ऑप्शन पे ये वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको ओनस ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि किसने प्रूफ करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अगर केस जो है वो आपका कोर्ट में जाता है तो हु इज गोइंग टू बी बेरिंग दिस बर्डन ऑफ प्रूफ। सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी बट नॉट इन ऑल केसेस। सो जनरली इट इज द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल फादर एंड सन अगर हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन फादर कि इसने प्रूफ करना है। बट हो सकता है कि किसी सिचुएशन में जो है वो किसी दूसरे को भी शायद बर्डन ऑफ प्रूफ मिल जाए, वो कोर्ट्स डिसाइड करके बता देती हैं।
नाउ कौन सी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उनके पास ऐसी अथॉरिटी है दैट दे कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन, एंड सम ऑफ देम आर मेंशन हियर, फादर एंड सन, गार्डियन एंड वार्ड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, सोलिसिटर एंड क्लाइंट. सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशनशिप्स जिनको आप कह सकते हैं कि दे हैव अ पोजिशन जिसमें वो डोमिनेट कर सकते हैं विल ऑफ द अदर पर्सन. और फादर जो है वो गार्डियन वार्ड के साथ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के साथ, ट्रस्टी बेनिफिशरी, टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट. बट एट द सेम टाइम देर आर सम रिलेशनशिप्स जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते. इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप देर इज नो प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, किराएदार एंड उसका मालिक मकान, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ईच अदर, और लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्रेडिटर एंड डेटर, किसी ने अगर क्रेडिट आपसे लिया हुआ है तो आप उसकी विल को डोमिनेट नहीं कर सकते. हस्बैंड एंड वाइफ, मोस्ट मिसअंडरस्टूड में भी वो जो इसकी प्रजम्पशन है, सो दे आर ऑल्सो ऑन द सेम फुटिंग. तो इसमें ये नहीं आप कह सकते कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड की विल को डोमिनेट कर सकता है. सो ये ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिसमें ये क्लेम करना ठीक नहीं होता. सम डिफरेंसेस बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मोस्टली तो हमने कवर कर ली है डेफिनेशन वगैरह में. कोअर्शन में एक्चुअली कोई ना कोई फोर्स यूज हो रही होती है जो कि पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग कर रहे होते हो आप. बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी पोजिशन टू डोमिनेट द विल यूज कर रहे होते हो टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन. एंड यहां कंसेंट इज ऑब्टेन बाय गिविंग थ्रेट और एन ऑफेंस, या तो वो ऑफेंस कमिट करते हो या उसका थ्रेट करते हो. यहाँ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल, तो वहां फोर्स यूज होती है, यहाँ डोमिनेशन यूज होती है. इट इन्वॉल्व्स मोस्टली फिजिकल प्रेशर, बट दिस इन्वॉल्व्स मॉरल प्रेशर. इसमें फिजिकल प्रेशर नहीं होता अनड्यू इन्फ्लुएंस में, लेकिन कोर्जन में फिजिकल प्रेशर होता है. कोर्जन में रिलेशनशिप्स हों या ना हों मैटर नहीं करता, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. एंड देन रीजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द पोजिशन. तो यहाँ कंपेल कर रहे होते हो, यहाँ जो है वो अनफेयर एडवांटेज से कंसेंट ऑब्टेन कर रहे होते हो, उसका एडवांटेज ले रहे होते हो. देन कोर्जन में क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, आपने कोई ना कोई साथ क्राइम भी किया होता है. अगर आपने गन पॉइंट पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है या अदरवाइज, या थ्रेट किया है या इंजर किया है, तो दैट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी. अगर आपको सिविल और उसका याद हो, सिविल एंड जो क्रिमिनल लॉ का हमारा डिफरेंस था, यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती, मे बी सिविल लाइबिलिटी आती हो. कोर्जन मे बी एम्प्लॉयड ऑन अ पर्सन अदर देन द पार्टी हुज कंसेंट इज डिजायर्ड, फॉर इंस्टेंस समबडी सन, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अप्लाइड डायरेक्टली टू दैट पर्सन. तो ये बाय स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली बाय दोज रिलेशनशिप्स ही हो सकता है. बाय हुम दिस कैन बी डन बाय एनीवन, इवन अ स्ट्रेंजर, बट दिस इज ओनली एक्सरसाइज बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय द स्ट्रेंजर, बिकॉज इसमें रिलेशनशिप का होना लाजमी है. ओनस ऑफ प्रूफ और बर्न ऑफ प्रूफ, द ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वॉन्ट्स टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्शन. तो यूजली यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कंप्लेनेंट होता है जिससे कोर्शन की जाती है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बिकॉज उसने प्रूफ करना होता है कि कोर्जन हुई है. बट यहाँ क्या होता है, ऑनस ऑफ प्रूफ
इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन बट अगेन नॉट इन ऑल केसेस मोस्टली ये होता है. रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, अगर कोई बेनिफिट जो है वो मूव कर गए हों कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो उसमें क्या होता है द अग्रीव्ड पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड. फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है फॉर एग्जांपल ए है और बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ए ने बी को लेट से 100 रुपीज एडवांस में जमा करवा दिया. अब बी कंप्लेन ये करता है मेरे साथ कोर्जन हुई है और मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री विल नहीं थी. अगर बी ये बात करता है तो बी को ये 100 रुपीज जो बेनिफिट मूव हुआ है ये पहले वापस करना पड़ेगा फिर वो कंप्लेन कर सकता है. ये नहीं है कि 100 रुपीज पास रखे और कंप्लेन कर दे. बट इन द अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट रिस्टोर बेनिफिट्स. सो अगर ए एंड बी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 100 रुपीज एक्सचेंज हुए हैं और बी जो है वो कंप्लेन करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो हो सकता है कोर्ट डिसाइड करेगी कि 100 रुपीज वापस करना है या नहीं करना. सो ये लॉ ने कुछ लिमिट्स डिफाइन की हुई है. देन फ्रॉड इज द थर्ड टाइप थ्रू विच योर कंसेंट मे और मे नॉट बी फ्री. फ्रॉड में मेनली जो मेन एलिमेंट इन्वॉल्व है दैट इज इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी by the party to a contract or with the agreement or by his agent. Actually क्या है अगर आपने किसी को fraud किया है इसका मतलब है आपने जानबूझ के knowingly उसको कोई गलत statement बताई है जिसकी वजह से वो आपके साथ contract कर रहा है. For example, A sells to B locally manufactured goods representing them to be imported goods and charging higher prices. It amounts to fraud. Locally manufactured है लेकिन हो सकता है उस पर आपने स्टीकर लगा दिया है कि these are imported and then you're charging higher price. So that is a fraud. But fraud में active concealment भी आ जाती है. Active concealment का मतलब ये है कि जान बूझ के किसी मटीरियल फैक्ट को छुपाना. द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट सच एज वेयर स्टेप्स आर टेकन बाय द सेलर कंसीलिंग सम मटीरियल फैक्ट सो दैट द बायर इवन आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन कैन नॉट ट्रेस द डिफेक्ट इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. सो अगर आपने कोई ऐसी चीज छुपा दी है जानबूझ के क्योंकि नॉर्मली बायर को नहीं पता चल सकता तो वो भी फ्रॉड ही होता है. फॉर एग्जाम्पल जी अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर सोल्ड बाय हिम बाय यूजिंग सम पैकिंग मटेरियल एंड पॉलिशिंग इट इन सच अ वे दैट बायर इवन आफ्टर रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट ट्रेस द डिफेक्ट. इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड थ्रू एक्टिव कंसीलमेंट. फ्रॉड तो होगा बट फ्रॉड का रीजन जो होगा वो एक्टिव कंसीलमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप घर बेच रहे हैं और घर में क्रैक्स हैं आप क्रैक्स को पेंट कर देते हैं और रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन कोई आके कर भी लेता है तो उसको फिर भी पता नहीं चल सकता. तो ऐसा जो सेल एंड परचेज होती है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड. देन वी हैव सम एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड. पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन टू फैक्ट actually deceived and suffered lost. First of all, जो fraud हो रहा है वो the fraud must be committed by a party to the contract. कोई third बंदे से ना किया हो or by anyone with his convince or by his agent. तो एक तो पहली बात तो ये है कि A और B जो है अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉड ए ने बी के साथ या बी ने ए के साथ किया हो और ए का एजेंट हो. फॉर एग्जांपल आप एक रिटेल स्टोर में जाते हैं तो रिटेल स्टोर में जो एक्चुअली ओनरशिप होती है वो तो किसी और की होती है लेकिन आगे आपने सेलमैन बिठाया होता है. तो सेलमैन जब एक कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और अगर सेलमैन कोई फ्रॉड कर तो फिर ठीक है मालिक तो ये है बट मालिक का ये एजेंट है तो ये
कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो यस दिस विल बी फ्रॉड, बट नॉर्मली इट इज डन बाय द पार्टी हु इज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बात फ्रॉड में आप क्लेम कर रहे हैं कि इस बात की वजह से मुझे लगता है कि फ्रॉड हुआ है, वो वाकई ही फॉल्स बात हो, इट मीन्स दैट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सहुड। क्योंकि अगर वो फॉल्स बात है और बंदे को नॉलेज नहीं है, मतलब अनइंटेंशनली कर रहा है, तो फिर वो फ्रॉड नहीं होगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और दूसरा, वो जो स्टेटमेंट जो भी कह रहा है वो वाकई फॉल्स हो, तो तब फ्रॉड होगा। नाउ रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, अ मेयर ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर आप इससे कोई बात कर रहे हो और आप कहते हो कि मेरे ख्याल में ऐसे होता है, आई थिंक इट्स अ गुड कार, आई थिंक इट हैज इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रॉब्लम, तब तक ये फ्रॉड नहीं है, बिकॉज वो आई थिंक यूज कर रहा है। उसको रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट करनी चाहिए कि हाँ वाकई ही ये बहुत अच्छी गाड़ी है, या वाकई ये बहुत अच्छा पैकेट है, या लैपटॉप है, या जो भी आप डीलिंग कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट, देन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। एक्चुअली एक और यहाँ बात यह है कि कुछ मटीरियल फैक्ट्स होते हैं, तो जो फॉल्सहुड, जो फॉल्स बात की गई है, वो किसी मटीरियल फैक्ट के बारे में की गई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर जाते हो और एक्चुअली आपने कार का कॉन्ट्रैक्ट करना है खरीदने का या बेचने का, लेकिन वो बंदा आपसे कहता है कि ये घर जो मेरा है ना, ये मैंने खुद बनाया था, बट एक्चुअली वो रेंट पे रह रहा है। तो झूठ तो बोल रहा है वो, बट वो झूठ कार के लिए नहीं बोल रहा, वो अपने घर के लिए बोल रहा है, तो वो एक्चुअली फ्रॉड नहीं होगा, अनलेस इट्स अ मटीरियल फैक्ट। वो कहता है कि मैंने कार जो है वो इंपोर्ट की थी बाहर से, जो कि उसने नहीं की होती। एंड देन ऐसी बात हो जिससे एक्चुअली आप डिसीव भी हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम्स द अदर पर्सन इज मेकिंग अ जोक। फॉर एग्जाम्पल, एक उसके पास गाड़ी है जो 2000 मॉडल की है, और बड़ा क्लियर है आपको कि 2000 मॉडल की गाड़ी है। वो कहता है जी आप इसको ऐसे ही समझें जैसे ये 2020 की मॉडल है। अब ये आपको डिसीव करने के लिए नहीं कर रहा, वो वैसे ही बात कर रहा है, या सार्केस्टिकली बात कर रहे हैं मजाक में। सो आप उस बात से एक्चुअली डिसीव भी हुए हुए हो, एंड देन आपने लॉस भी सफर किया हो। लॉस सफर करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी किसी से खरीदी है जो 900,000 या 9 लाख की है, तो अब आप क्या करते हो कि इस गाड़ी की मार्केट प्राइस भी जो है तो वो 9 लाख ही है, और आपने कितने की खरीदी है, 9 लाख की। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को देखते हुए अगर देखें, तो आपको कोई लॉस तो नहीं हो रहा, आप तो फॉरेन मार्केट में उसको 9 लाख की बेच सकते हो, तो देन यू कैन नॉट से के फ्रॉड हुआ, बिकॉज यू हैव नॉट सफर्ड एनी लॉस्ट। ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो फ्रॉड को डिटर्मिन करते वक्त आप देखते हो। अगर फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। वो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर ले, वो चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर ले। देन वी हैव मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें और फ्रॉड में जो डिफरेंस है वो है इंटेंशन का। अभी भी जो आप बात कर रहे हो वो गलत ही कर रहे हो, और दूसरा बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ आपके पास नीयत आपकी खराब नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, बट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू। नाउ एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एक्चुअली deceived. The first essential is party to a contract. So the representation must be made by a party to a contract or by anyone with his conveyance or by his agent. The same rule जो हमने fraud के लिए discuss किए. Thus the representation by a stranger to the contract does not affect the validity of the contract. So अगर किसी stranger ने किया है तो वो
इट विल नॉट अमाउंट टू द मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड देन जो रिप्रेजेंटेशन की है वो फॉल्स होनी चाहिए। ऑल्दो आपके पास नॉलेज नहीं था कि वो चीज़ आप जो बोल रहे हो वो गलत है, बट स्टिल वो बात जो आपने की है वो एटलीस्ट फॉल्स होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, अगेन मटीरियल फैक्ट हो जिसकी वजह से दूसरा बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके बारे में आपने कोई गलत बात की हो, एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव जो है एक्चुअली वो इंड्यूस करना हो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कराने का विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। अब यहाँ थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है, फ्रॉड में तो आपकी इंटेंशन है कि दूसरा बंदा डिसीव हो, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको नॉलेज नहीं था कि जो बात आप कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, बट स्टिल वो बात गलत ही थी। थोड़ा सा इसमें बिजनेस लॉ के हिसाब से एक और चीज़ देखें कि कई दफ़ा आपको जस्ट टू मेक सेल्स, सेलमैन आपको कोई बात करता है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल आप शूज़ लेने गए हैं और आपने जैसे ही शूज़ पहने हैं वो कहता है बहुत अच्छे लग रहे हैं शूज़, सो ये वो सेल बनाने के लिए शायद आपको कह रहा है। दिस डज नॉट मीन्स कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड कर रहा है। तो अगर आप इसको कहते हो कि उसने कहा था कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी लग रहा हूँ और अब नहीं लग रहा तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, दैट डज नॉट अमाउंट टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। सो फ्रॉड होने के लिए या मिस रिप्रेजेंटेशन होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो बात कही जा रही है वो फॉल्स हो, एग्जैक्टली फॉल्स हो, और उस फॉल्स बात की वजह से आप डिसीजन कर रहे हो। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज़ है कि आपने उस गलत बात पे जो है वो एक्चुअली एक्ट भी किया हो। द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगेन मटीरियल फैक्ट की बात आ गई कि अगर एक गाड़ी है और वो पेंटेड है, इट इज़ नॉट अ न्यू कार, एक्सटेंटेड है, तो क्या आपने वो गाड़ी इसलिए खरीदी है कि वो एक्सीडेंटेड नहीं थी और उसने कहा कि एक्सीडेंटेड नहीं है, तो जो बात उसने की क्या आपने वाकई ही उस पर एक्ट किया है और उसी मटेरियल फैक्ट की वजह से आपने अपनी कंसेंट दी है, तो तब वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड में आएगी। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुए हुए हों दे आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। And किस तरह avoidable? At the option of a party whose consent was so caused. So these are some of the essentials of misrepresentation. Then the last one is known as a mistake. कई दफा mistake की वजह से आपकी जो consent है वो free और genuine नहीं होती. Incorrect belief which leads one party to misunderstand the other party. It takes place where the concerned parties are not fully aware of the terms of the agreement. आप agreement में कुछ terms and conditions लिखते हैं या जो भी चीज़ decide कर रहे होते हैं उसमें से कुछ चीज़ कोई एक पार्टी सही नहीं समझ रही होती जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है कि जो आप बात कर रहे हो अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट वो फैक्चुअली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट्स बी टू सेल हिज कार एंड बोथ थिंक दैट द कार इज इन एज गैराज, द कार इज स्टोलन बिफोर द एग्रीमेंट, देयरफॉर द एग्रीमेंट इज वॉइड। सो कार गैराज में थी बट एग्रीमेंट करने से पहले समहाउ इफ इट इज स्टोलन चोरी हो गई है तो ये मिस्टेक है, दोनों को जो पता नहीं चली जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट मिस्टेक ऑफ लॉ भी कई दफ़ा हो जाती होती है जब आप लॉ को मिसअंडरस्टैंड कर जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अग्री टू सेल अ मेडिसिन टू बी हु इज़ अ फॉरेन नेशनल, तो अगर उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब उस टाइम पे किसी भी एक कंट्री के लॉ ने उस मेडिसिन को परचेज या सेल करने से बैन कर दिया है तो इनको नहीं पता चला, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ इनसे हो गई है। लॉ को समझने
में मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं हो सकता। सो 5 चीजें हमने पढ़ी जिनकी वजह से हमारी फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट नहीं हो सकती: कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड देन एट द एंड मिस्टेक। ये फ्री कंसेंट का हमारा पूरा चैप्टर है और इसमें जो चीजें हैं वो सारी ये वाली हैं।